सो हाय एवरीवन, फिर से आपका नई वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके जो डिस्प्ले पर एड शो हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्ले पर ही मेन्यू पर होम पेज पर ही कोई भी एड शो हो जाता है कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का, जैसे अभी रमी सर्कल वगैरह कुछ भी ऐप जो उनके ऐड हैं वो शो हो रहे हैं। हालांकि ये समस्या जब आती है जब हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें हमें ये समस्या आती है कि हमें वहाँ पर ऐड देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक नई समस्या है कि हमें डिस्प्ले पर ही पॉपअप शो होता है, एक कोई भी नया ऐड शो होता है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेल गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और हो सके तो आप एक इस वीडियो को कोई दूसरे मोबाइल में चला लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है उसको आप हाथ में ले लीजिए और वीडियो किसी और फ़ोन में चला लीजिए। इसके बाद अब गाइस आपको सिंपली सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्पेशल मैनेजर का, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल फाइल की जो एक्सेस है इन पर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपके जितने भी ऐप्स हैं वो सारे ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको उन ऐप्स को देखना है जो आपको लगे कि ये थर्ड पार्टी ऐप्स है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये तो आप देख सकते हैं ये आपके मोबाइल के ऐप्स होते हैं, जैसे गूगल फाइल्स, फाइल मैनेजर, गैलरी वगैरह। जैसे हमने ये कोटक बैंक का ही सपोज़ करो कि ये कोटक बैंक का हमने जो ऐप्स है ये थर्ड पार्टी ऐप्स है, या हमने कहीं और से डाउनलोड करा है, जैसे शेयर मी है ये वाला ऐप ही समझ लीजिए। यहाँ पर इसके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल्स ऑन हुआ है, ऑन हो रखा है हमारा, इसको यहाँ से सिंपली आपको ऑफ कर दे देना है। हालांकि हमारा ये बिल्कुल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है तो ये थर्ड पार्टी तो है नहीं, जेन्युइन ऐप है, तो इसको आपको ओपन करके रखना है। उस ऐप से, जिस ऐप से, थर्ड पार्टी ऐप से आपको एड्स शो हो रहे थे वो ऐप्स नहीं दिखेंगे, या फिर भी अगर आपको ऐप्स में एड्स शो हो रहे हैं तो आपको सिंपली करना क्या है मैं आपको बता दूं। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर मेन सेटिंग में बाहर आ गए। मेन सेटिंग में बाहर आने के बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऐप्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मैनेज ऐप्स, मतलब कि जिसमें आपके सारे ऐप्स जो हैं शो हो जाते हैं, जिसमें इंस्टॉल किए हुए ऐप्स रहते हैं या फिर जो ऐप्स आपके मोबाइल के होते हैं वे भी आपको शो हो जाते हैं, यहाँ पर आपको उस ऐप्स को ढूंढना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आराम से स्क्रॉल करके ढूंढना है, जैसे कि जिस ऐप्स का कोई भी आइकन ना हो, या हम कह सकते हैं कि जो ऐप्स जो हैं आपके मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं उनका कोई आइकन नहीं होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, ये ब्लूटूथ है, ये मोबाइल का ही है, या फिर गैलरी का है, ये गैलरी का आइकन है लेकिन भूखे है, मतलब कि ब्लर वगैरह कुछ इस तरह का इससे रहता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेज़ोन वगैरह ये हमारे इनके ऐप्स के आइकन हैं। यहाँ पर जिस ऐप्स का आपको आइकन ना दिखाई दे रहा हो उस ऐप्स को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास तो सभी ऐप्स के आइकन दिख रहे हैं, जैसे कुछ इस तरीके से अगर आपका आइकन ना दिख रहा हो, हालांकि इनके सबके आइकन हैं, तो उसको आपको यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से नीचे आपको अनइंस्टॉल वाला, अनइंस्टॉल अपडेट या और फुल्ली अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और इसके बाद हालांकि ये प्रॉब्लम यही ठीक हो जाती है, अगर फिर भी अगर आपको 1% हो सकता है कि आपके में ये प्रॉब्लम आए, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाएंगे, ये हमारी सेटिंग्स है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एड्स का, ये वाला देख रहे होंगे, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो है एडवर्टाइजिंग आईडी की आईडी आ रही होगी जहाँ से आपको एड्स देखने को मिलेंगे, मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने ठीक कर दिया, तो उसको आपको उस पर क्लिक करके इस तरीके से वहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन आएगा, उसको सिंपली डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। सो वेल गाइस, ये एक तरीका था जिससे आप अपने एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आपके एड्स नहीं आएंगे आपके मोबाइल में होम स्क्रीन पर। सो वेल गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में येस और नो जरूर लिख दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।